नूरपुर बेदी दे पिंड झांडी खुरद विखे बीते दिन दो धिरां विच होई लड़ाई झगड़े दौरान जख्मी होए एक 62 साला व्यक्ति अशोक कुमार की PGI चंडीगढ़ च जेरे इलाज मौत होने का समाचार प्राप्त होया। पुलिस कोलों मृतक दे लड़के संजीव कुमार वालों दर्ज कराए गए बयान मुताबिक 30 सितंबर नूं रात करीब 10 बजे वह जदों अपने घर लागे खेतों में काम कर रहा सी। इस दौरान साढ़े खेतों च प्रिंस कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी बामण मांजरा आया ते मंजे ते बैठ गया। काफ़ी देर तक उत्थे ही बैठा रहा ते जदों उसनों घर जाने लई कहा उसने मेरी कुटमार कीती ते चला गया ते कुछ देर बाद मैनू मेरे घर तो कुटमार दियां आवाज़ां सुनिया ते जदों घर जाके देखिया तां उक्त व्यक्तियां ने उस दे साथियां ने मेरे पिता नूं जानों मारन दी नीयत नाल डंडे नाल मारना शुरू कर दिया। मैं ते मेरी माता ने अपने पिता नूं बचाउणा चाहिया तां 3-4 होर व्यक्तियां ने उन्होंने घेर लिया ते मेरे पिता नू जख्मी हालत में छड़ के चिट्टे रंग की कार सवार होकर भज गए। अशोक कुमार नू सरकारी हस्पताल ले जाया गया ते उस तो बाद उसने PGI रैफर कर दिता जिथे उसकी मौत हो गई। इस संबंधी जदों पत्रकारों ने पुलिस मुलाजमान नाल गल की तो उन्होंने कहा है दोषियों खिलाफ़ 302 तहत का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हों की भाल शुरू कर दिती है। उन्होंने जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। पत्रकार जतेंद्रपाल सिंह कलेर की खास रिपोर्ट। सर झांडिया केस बारे क्या जानकारी है जी? झांडिया एक बजुर्ग से उन्होंने बेटे नाल जिहड़े प्रिंस वगैरह ने इन्हों का कोई मूँह मोटापा होया आपस में थप्पड़ी हुई उस तो बाद जिहड़े प्रिंस वगैरह ने दोषी ने इन्होंने अशोक कुमार के मतलब रुकेश कुमार के फादर के अशोक कुमार के सिर में कुछ मारी उन्होंने दाखिल सिविल हस्पता इतने दाखिल कराया गया। उस तो बाद उन्होंने 32 च रैफर कर दिया गया। असी बयान लिखन उत्थे गए सी उन्होंने गांह रैफर PGI का किया गया जिथे उन्होंने मृत घोषित करता। इसते केस असी 302 च FIR लॉन्च कर दी है ते हुण दोषियों की भाल जारी है। ठीक है सर, थैंक यू।